हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सागवान लकड़ी के ऊपर नेचुरल लाइकर पॉलिश बिना स्पीड और लाखदाने के कैसे करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है हमें वुड फिलर। ये टीक कलर का वुड फिलर है और जहाँ पे मोटे गड्ढे हों या लकड़ी टूटी फूटी हो वहाँ पे इनको पहले ही भर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे मोटा गड्ढा है तो यहाँ पे पहले ही भर लेंगे इसको। उसके बाद में रेगमाल लगाएंगे इसके ऊपर। रेगमाल पट्टे वाला 80 नंबर या 100 नंबर का कोई भी हो सकता है। इसको अच्छी तरह से रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद इसके बाद मारना है सैंडिंग सीलर। ये सैंडिंग सीलर है, इसको पतला करने के लिए इसमें NC थिनर मिक्स करना होता है। और इसमें मिलाएंगे NC थिनर थोड़ा सा। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कई भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ स्पीड और लाखदाना नहीं मिलता है, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। बिना स्पीड और लाखदाना के पॉलिश कैसे की जाती है। और उस गद्दी लेकर इसके ऊपर मार देना है 1-2 हाथ। थोड़ा सूखने के बाद में इसके ऊपर डालेंगे पाउडर। ये येलो कलर का पाउडर है जिसको सेना भी बोलते हैं। तो इसको पानी से घोलेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर पाउडर की तरह लगा देंगे पत्ती से। ये मैंने केवल येलो सेना ही लिया है क्योंकि नेचुरल पॉलिश पे करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट जैसा बना लेंगे। और पूरी लकड़ी के ऊपर खींच देना है इसको इस तरह से पत्ती से। इससे फ़ायदा ये होगा कि नसें इसकी भर जाएंगी। ये पॉलिश आप घर के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते इसको। बाहर जहाँ पे धूप और पानी पड़ता हो वहाँ पे ये नहीं टिकेगी। बाहर के लिए आप प्यू पॉलिश कर सकते हैं। सूखने के बाद इसके ऊपर रेगमाल लगाना है। रेगमाल आप 150 नंबर या 220 नंबर का कोई भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से रगड़ देना है। रगड़ने के बाद में इसको साफ कर लेना है। उसके बाद में मारना है इसके ऊपर सैंडिंग सीलर फिर से। आप सैंडिंग सीलर इसको इतना मारना है कि इसकी पूरी नसें भर जाएं, मतलब फुल भराई कर देनी है इसकी, नसें ना दिखें, इतनी भराई करनी है इसकी। इसके ऊपर 8-10 हाथ ऐसे ही मार लेंगे सूखा सूखा के थोड़ा सा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है। मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियो बना के डालूंगा। तो अभी सीलर भर दिया है मैंने 4-5 हाथ। अब इसके ऊपर रेगमाल लगा लेंगे 600 नंबर का, जिससे कि जो सीलर के दाने होंगे हल्के फुल्के वो कट जाएंगे और ये स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। रेगमाल होने के बाद में अब इसके ऊपर मारेंगे लाइकर। लाइकर इसकी शाइनिंग के लिए है, इसकी शाइनिंग आ जाएगी लकड़ी की। बाकी इसकी भराई तो पूरी हो गई है, भराई सैंडिंग सीलर से फुल कर दी है मैंने। अब इसके ऊपर शाइनिंग देनी है तो उसके लिए लाइकर का प्रयोग करेंगे। इसको पतला करने के लिए इसमें NC थिनर मिक्स करना पड़ेगा। और इस तरह से इसके बिल्कुल सूखे सूखे हाथ से इसको मार देना है। जितना सूखा आप हाथ मारेंगे उतनी बढ़िया इसकी सफाई आएगी, उससे गद्दी के निशान नहीं दिखाई देंगे। 2-3 हाथ मारने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगा लेंगे। रेगमाल हल्का हल्का लगाना है सूखने के बाद में, जिससे दाने कट जाएंगे और जो गद्दी के निशान होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लकड़ी कोई भी हो पॉलिश ऐसे ही होगी। इस तरह से लाइकर मार देना है इसके ऊपर 4-5 हाथ। या आप गद्दी सुखा के मारेंगे तो सफाई बहुत बढ़िया आएगी। और ये मार दिया है मैंने, इसके ऊपर 5-6 हाथ लग गए हैं। और देख सकते हैं आप इस तरह की शाइनिंग आ गई है इसकी। और इसमें जो सामान लगना है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या सामान लगना है। एक रेगमाल है 80 नंबर, 220 नंबर, 600 नंबर, 2 सैंडिंग सीलर, 3 येलो सेना या वुड फिलर, 4 लाइकर, 5 एनसी थिनर। बस इतने ही।